जब पुलिस काम शुरू करती है तो पुलिस को सोसाइटी की सपोर्ट की तवक्को होती है। मर्दान में नन्नी आसमा के कत्ल का मामला 25 दिन बाद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने हल कर दिया। कातिल घर का बैदी निकला। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि आसमा का केस बिल्कुल ब्लाइंड केस था। 16 कनाल के केत में क्राइम सीन वाकया था और केत में गन्ने के एक पत्ते पर खून के कतरे से केस ट्रेस हुआ। डीएनए रिपोर्ट में मेल डीएनए रेप के लिहाज से मनफी था। केस गन्ने के एक पत्ते के ऊपर खून के एक कतरे से ट्रेस हुआ। सहाफी को ब्रीफिंग देते हुए आरपीओ मर्दान ने मजीद बताया कि मुलजम ने नन्ही बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश के बाद गला दबाकर कत्ल किया और फरार हो गया। बच्ची की गर्दन पर उंगलियों के निशानात थे, जबकि मुलजम 15 साल का लड़का है जो रेस्टोरेंट पर काम करता है। मुलजम ने इतराफी जुर्म कर लिया है। दोनों जो हमारे इसमें सस्पेक्ट थे उसको हमने अरेस्ट कर लिया और इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। शाम तक तमाम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई और मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। इस मौके पर आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा ने कुहाट में आसमा रानी कत्ल केस पर भी रोशनी डाली और कहा कि आसमा रानी के केस में 2 मुलजिमान गिरफ्तार है, जबकि अलग कत्ल और जिस गाड़ी से मुलजिम इस्लामाबाद गया वो भी बरामद कर ली गई है। कैमरामैन नौत हयात के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।